देश भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। यहां बाधितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारतीय जैन संगठन देश अपनाए और क्रेडाई MCHI इन संस्थाओं ने मिलकर 28 अप्रैल से वर्ली मुंबई में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की। इस मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा का उद्घाटन मुंबई की महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर जी ने किया। इस समय नगर सेवक स्नेहल अंबेकर, आशीष चेंबूरकर, केतन संघवी उपस्थित थे। इस उपक्रम को मूर्त रूप देने में मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी, उपायुक्त उघड़े तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों का अमूल्य सहकार्य मिल रहा है। भारतीय जैन समाज संघटना या अशा पुढे आले सोशल वर्क चालूच आहे, पण मला वाटतं आपण सर्वांनी यांना साथ दिली पाहिजे आणि माणसाने माणसाच्या व्यथा जाणून घेतल्या पाहिजे आणि त्या व्यथा या लोकांनी जाणून घेतल्या आणि त्याप्रमाणे आपलं आता काम चालू झालंय। आपण सर्वांनी मिळून कोरोना 19 भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष शांतिलाल मुथा ने सबसे पहले पुणे में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा की पहल की। 100 वैन के माध्यम से 1,00,000 से ज्यादा रुग्णों की जांच करके इन्हें दवाइयां प्रदान की गई। इनमें से 1,000 से अधिक कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट्स को प्रशासन को सौंपा गया। इनमें से 100 से अधिक पेशेंट्स कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए। क्रेडाई MCHI के नैने शाह और धर्मेश जैन ने पूरे मुंबई में मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा का विस्तार करने की जिम्मेदारी ली है। देश अपनाए फाउंडेशन के संस्थापक वल्लभ भंसाली ने पहले 25 वैन का आर्थिक भार उठाने का निर्णय लिया है और आज से हम लोग ये सेवा यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग, टारगेट है 100 का 10 दिन में पहुंचने का। पूरे बंबई को कवर करना है हमें। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हम कोरोना को इंडिया से भगा दें। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। अधिकांश निजी अस्पताल लॉकडाउन के कारण बंद है। ऐसे समय में यह डिस्पेंसरी सेवा नागरिकों के लिए बड़ा सहारा बनेगी। नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के जांच के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी प्रदान की जाएंगी। 5 वैन के माध्यम से शुरू की गई ये सेवा अगले 8 दिनों में 100 वैन तक बढ़ाई जाएगी।